सकते नहीं। गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि इतना लंबा टाइम हो गया कि मैं वीडियो नहीं बना पाया किसी भी कारण से, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर आपके साथ में जुड़ा रहूं। सो गाइस आज हम बात करेंगे हाई फाई कमांड के बारे में। तो हाई फाई कमांड आप लोगों को कैसे सिखा सकते हैं? हाई फाई कमांड क्या होता है? हाई फाई बहुत ही अट्रैक्टिव कमांड लगती है, जैसे कि जब भी कोई गेस्ट आता है या फिर कोई भी आता है तो मतलब इससे लगता है कि आपका डॉग कितना कितना एक्टिव रह रहा है, कितना उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं। तो इसीलिए हाई फाई बहुत ही अच्छी कमांड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी कमांड अपने डॉग को सिखा रहे हैं, तो जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि कोई भी कमांड सिखाने के लिए आपके डॉग का आपके साथ में अटैचमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं वो मेरे आस पास ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है कोई भी कमांड सिखाने के लिए कि आपको ट्रीट का यूज करना पड़ता है। बहुत से लोगों को कॉल आता है मेरे पास, मैसेज आते हैं, वो पूछते हैं कि हम अपने डॉग को ट्रीट में क्या दें। तो देखिए भाई मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ट्रीट का कोई इतना स्पेशली कुछ ऐसा नहीं है, कोई ट्रीट बिस्किट ही हो या कोई स्टिक ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका डॉग अच्छे से पसंद करता है खाने में, जिसको इंटरेस्ट आता है उसे, आप उसको वही ट्रीट दीजिएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पे आर्या जो है, इसका नाम है आर्या, विगत है ये, इसका नाम है आर्या। तो ये जो है ये मिल्की बोन होती है, मिल्क बोन होती है, वो इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। ये उसकी वजह से बिल्कुल एकदम खुश हो जाती है उसको देख। ये आर्या मिल्की बोन चाहिए, हाँ ये तो गुड गुड गुड। तो ये मिल्की बोन इसको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम इस यूज कर रहे हैं मिल्क बोन को, ठीक है। चलिए आप चलते हैं ट्रेनिंग की तरफ। हाई फाई कमांड सिखाने के लिए आपने अपने डॉग को अगर शेक हैंड नहीं सिखाया है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको शेक हैंड कमांड की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो जाकर अपने डॉग को शेक हैंड कमांड सिखा लीजिए। क्योंकि हाई फाई कमांड सिखाने के लिए शेक हैंड कमांड का ना बहुत जरूरी है। तब फिर आपके अपने डॉग को शेक हैंड का, शेक हैंड अगर आपने सिखा रखा है तो उसमें क्या होगा कि जब भी आप जी लो अब हाई फाई सिखाने के लिए पहले आप उसको ना इस तरीके से रीड के छोटे छोटे पार्ट कर लेंगे, ठीक है। और दो पार्ट आपने अपने हाथ में लेने हैं, ठीक है, इस तरीके से। और हाथ लेकर के इस तर्के से आपको हाई फाई दिखाना है उसको। हाई फाई अभी ये बिल्कुल नहीं समझ रही है उसको नहीं समझ में आ रहा है। अभी ये जो ट्रीट इस हमारे हाथ में जो है ना वो उसको खाने के लिए आगे बढ़ेगी। आर्या ये लो हाई फाई हाँ गुड। इस तरीके से उसमें जब जंप लगाया तो आपको ट्रीट दे देना स्टार्टिंग में। उसका मतलब उसको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं कूदूंगी, जंप करूंगी ऊपर को तो मुझे ट्रीट मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको फिर से अगेन करना है यही चीज। अरे हाई फाई गुड गुड। जितनी बार भी वो आप हाई फाई बोलेंगे, जब आप हाथ ऊपर करेंगे वो ट्रीट को खाने के लिए ऊपर को चढ़ेगी आपके हाथों की तरफ, तो आपको तुरंत ही ट्रीट देना है उसको। ये लगना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ इसलिए मुझे ट्रीट मिल रही है, ठीक है। अगेन फिर से एक बार देखते हैं, अरे हाई फाई गुड। फिर आप कोशिश करना, फिर जैसे इसने ये किया ना तो आपको कोशिश करना कि यही इसको बिठाने की। अरे आराम से सिर्फ अरे गुड हाई फाई वेरी गुड। जब इसने ये किया ना तो आपको दोनों हाथ लगाने हैं अपने, इस पर पहले लगाएगी ये लो गुड। आपको ये जो आप जब करेंगे ना तो स्टार्टिंग में दोनों हाथों को एक ही हाथ पे लगाएगी, पर आपको करना है दोनों हाथ इसको बिल्कुल चिपका करके फिर एक एक हाथ को उसके एक एक हाथ पे ले लेना है, ठीक है ना। फिर जब हो जाएगा ना फिर ट्रीट भी कर देना उसके साथ। गुड गर्ल गुड गर्ल आर्या गुड गर्ल। अब इसी तरीके से आपने नो आर्या नो। अब इसी तरीके से आपने फिर से कराना है। आपने दोनों हाथ इस तरीके से रख लेने। गुड गुड गर्ल गुड गर्ल। जब उसने खा कर लिया तो उसको ट्रीट दे देना। गुड गर्ल गुड गर्ल आर्या वेरी गुड। अच्छा आगे हाई फाई गुड। इस तरीके से हो जाएगी ना, जब भी वो खड़ी भी हो जाएगी अगर तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो होना चाहिए इसको बस। अब ये है इस तरीके से पीछे करिए, कोशिश करिए कि उसको बैठा दीजिए। अगर बैठ जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बैठता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हाई फाई करते रहिएगा। गुड। अब बात करते हैं लास्ट स्टेज के बारे में कि हाँ आप हाई फाई प्रॉपर तरीके से कैसे सीखेगा, ठीक है। अब ये जब हो गया ना उसके बाद आपको क्या करना है, हाई फाई बिल्कुल ट्रीट नहीं दिखानी है बिल्कुल भी। उसको बोलना है अरे हाई फाई, इस तरीके से हाई फाई करेंगे हो आप हाथ का लेने हैं। और ये ध्यान रखें कि ज्यादा देर तक हाई फाई पे हाथ ऊपर ना रखें आप उसके, उसमें क्या होगा अगर आप ज्यादा देर तक रखेंगे तो वो एकदम उसका बैलेंस नहीं बन पाएगा और वो हाथ पीछे रख देगी, कुछ टाइम बाद फिर वो करना भी बंद कर देगी, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं गिर जाती हूँ या फिर मुझे कुछ नहीं मिलता है तो नहीं करेगी फिर वो, ठीक है। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि जितना कम से कम जस्ट अगर आधा सेकंड में अगर वो रुकती है ना तो बहुत है।
फिर आपको क्या करना है, जब ये लास्ट में जब ये खड़े होने लग जाएगी, खड़े होकर करेगी, फिर कुछ टाइम बाद आपको ये चीज मना करना है कि जब तक वो बैठ के ना करे तब तक आपको ट्रीट नहीं देना है। देखिए, अरे हाई फाइव, गुड, अब ये किया इसने, गुड गर्ल, इसको गुड गर्ल बोल के फिर ट्रीट दे देना है। गुड गुड गर्ल, गुड, हां अगेन, हां हाई फाइव, गुड, वेरी गुड। फिर जब वो बैठे बैठे करने लग जाएगी तब आपको ट्रीट देकर उसको गुड गर्ल देगा, फिर ट्रीट ज्यादा देना है। ये अगेन हाई फाइव, गुड गर्ल, गुड गर्ल। और ट्रीट का ध्यान रहे, ट्रीट उतनी दें कि जिससे उसका पेट ना भरे, सिर्फ इंटरेस्ट बना रहे। और ज्यादा ज्यादा ट्रीट नहीं देना है कि आपने मिल्की उनको दो बार भी दे दिया, नहीं, जितना छोटा छोटा पीस देंगे उसका उतना ही इंटरेस्ट बना रहेगा ट्रीट में। ठीक है, हाई फाइव, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड। सो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और गाइस, अगर आपने अपने डॉग को ट्रेन करना चाहते हैं और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे दिए हुए हमारे नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और या फिर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिप्लाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।